अगर सांप काट ले तो करे ये उपाय, झाड़ फूक के चक्कर में समय गंवाना पड़ सकता है महंगा, जा सकती है जान। गुमला जिला हसीन वादियों के बीच बसा है। यह जिला हरे भरे पेड़ पौधे, जंगल, पहाड़, नदियां आदि से भरा पड़ा है। यहां के ज़्यादातर लोग कृषि पर आश्रित हैं। कुछ ही दिनों में मानसून दस्तक देने वाली है, वहीं एक और बरसात आते ही खेती बाड़ी को लेकर यहाँ के लोगों के मन में काफ़ी उत्साह देखने को मिलती है। वहीं दूसरी ओर सर्पदंश का भी भय लोगों के मन में बना रहता है। बताते चले कि जिले में बरसात आते ही सर्पदंश के मामले बढ़ने लगते हैं। वहीं जागरूकता व अंधविश्वास के कारण लोग झाड़ फूक, जादू टोना, ओझा मती, भगत के चक्कर में अपनी जान भी गंवा बैठते हैं। बताते चले कि पिछले वर्ष सर्पदंश के कारण जिला में लगभग 13 लोगों की मौत हुई थी, वहीं इस साल भी अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में अब बरसात का मौसम आने वाला है, ऐसे में जिले में सर्पदंश के मामले बढ़ने लगते हैं। ऐसे में अगर किसी को सांप काटे तो झाड़ फूक के चक्कर में पड़कर समय ना बर्बाद करे, करे ये उपाय, नहीं पड़ेगी गंवाना जान। जाने सदर अस्पताल गुमला के DS अनुपम किशोर से संपूर्ण विस्तृत जानकारी उन्हीं की जिम्मे। बारिश का समय है और गर्मी भी है, तो इस सीजन में ना स्नेक बाइट केसेस ज्यादा होते हैं। तो अगर सांप काटा है तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे सांप जो है हमारे झारखंड में जो पाए जाते हैं विषैले नहीं होते हैं, लेकिन आमतौर पर देखा जाता है सांप काटने के बाद जो लोग हैं वो डर जाते हैं, उनके मन में बहुत घबराहट होने लगती है, परिवार वाले भी बहुत घबरा जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं करना है, आप अगर आपके पास एक कपड़ा है तो जहाँ पे काटा है उसके ऊपर में उसको जो थोड़ा टाइट से बांध दें, और जो नियरेस्ट जो भी आपका स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पे, जहाँ हर स्वास्थ्य केंद्र PHC CHC में, रेफर अस्पताल में, सदर सब जगह सर्पदंश की दवा मौजूद है, और इसमें झाड़ फूक के चक्कर में कतई ना पड़े। झाड़ फूक के समय में आपका समय बर्बाद होगा, उतने देर में अगर आप हॉस्पिटल चले जाते हैं तो आपका प्रॉपर उपचार हो जाएगा, तो आपकी जान बच सकती है। झाड़ फूक के चक्कर में हो उस समय आप जो क्रिटिकल समय है पेशेंट का वो निकल जाता है, और जब तक वो अस्पताल पहुंचता है तब तक काफ़ी देर चुक हो चुकी होती है। तो ज़्यादातर मौतें झाड़ फूक के बाद अस्पताल पहुंचने वाले लोगों में देखेंगे। जो लोग अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र कहीं भी पहुंच जाते हैं स्वास्थ्य फैसिलिटी में और समय रहते उनको एंट्री वेनम वगैरह चल जाता है, तो उनके बचने की संभावना 90% से ऊपर होती है। तो यही रिक्वेस्ट है हमारा कि जिनको भी सांप काटे वो जहरीला नहीं जहरीला वो डॉक्टर से देख लेंगे, और आप वो जहाँ भी काटा है उसके ऊपर एक कपड़ा बांध दें या नहीं जिसे बांध दें, और पेशेंट को लिटा करके बढ़िया से पेशेंट को लेके आए, और उसमें ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं करना है, झाड़ फूक के चक्कर ना पड़े। आप जितना जल्दी हो सके स्वास्थ्य आप सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, और वहाँ सर्पदंश की दवा हर जगह मौजूद है, यही सबसे अच्छा उपाय है। घर पे कुछ भी प्राथमिक उपचार करने के चक्कर में जो कीमती समय है पेशेंट का उसको नहीं गंवाएं, वही टाइम उतने टाइम अस्पताल पहुंच जाएंगे तो पेशेंट की जान बचने की संभावना ज्यादा होती है। झाड़ फूक के चक्कर में समय बर्बाद हो जाता है, फिर पेशेंट के साथ कुछ भी अनहोनी होने की शंका रहती है।